नमस्कार, मैं आरती गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का बियानी टीवी के खास प्रोग्राम करियर टॉक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीए, बीएससी और बीए कॉम ग्रेजुएशन करने के बाद जिन स्टूडेंट्स को हायर लेवल पे टीचिंग लाइन में जाना होता है वो नेट स्लेट और पीएचडी करते हैं, और जिन्हें स्कूल लेवल पर टीचिंग लाइन में जाना होता है वो द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। इसके लिए उन्हें पीटीटी का एग्जाम देना होता है। अभी हाल ही में पीटीटी का एग्जाम हुआ है तो बहुत से छात्रों के मन में जिज्ञासाएं हैं कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। इसी विषय पर चर्चा हेतु आज हमने आमंत्रित किया है श्रीमती तृप्ति सैनी मैम को। मैम आपका स्वागत है। मैम, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पीटीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि मैम आपने पूछा कि पीटीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैम पीटीटी के लिए एलिजिबिलिटी में जो बीए, बीएससी और बीकॉम करके जो बच्चे आएंगे उनके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और यदि बच्चा एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करता है तो उनके पास 45% मार्क्स होना जरूरी है। तो मैम, अगर किसी बच्चे के जनरल में 50% और ओबीसी में 45% नहीं है तो क्या वो बच्चा पीटीटी नहीं कर सकता? यदि बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसके पास एमए, एमकॉम या एमएससी की, तो उसमें यदि उसके पास में 50% या 45% जनरल एससी, एसटी के पास, सॉरी जनरल के पास 45% और एससी, एसटी, ओबीसी के पास, सॉरी मैम, अगर जनरल के पास भी 50% और एससी, एसटी, ओबीसी के पास यदि 45% है पीजी में, तो भी वो बच्चा बीएड कर सकता है। तो मैम पीजी के बेसिस पे बच्चे का एडमिशन पीटीटी में हो सकता है? पीजी के बेसिस पे भी हो सकता है एडमिशन। मैम बच्चे कई बार क्या है कि एमसीए, एमबीए और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो क्या इस बैकग्राउंड के बच्चे भी पीटीटी के लिए एलिजिबल हैं? MBA, MCA या फिर जो बच्चे साइंस में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन है तो वो बच्चे बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी ही प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। तो जो बच्चे प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं वो बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते। तो मतलब एक प्रोफेशनल डिग्री वाले लेने के बाद बच्चे दूसरी प्रोफेशनल बीएड डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते मैम? ओके, तो मैम इसका एडमिशन प्रोसीजर अब क्या रहेगा? इसका एडमिशन प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो मैम जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्जाम दिया है अभी उनका रिजल्ट आएगा और उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में उनको एक 5,000 रुपये का एक चालान बनवाना पड़ेगा और उसे पीटीटी के नाम पे उसको जमा करवाना होगा। उस चालान को जमा कराने के बाद में उनके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो मैम कॉलेज क्या उन्हें अपनी चॉइस से भरना होता है? कॉलेज चॉइसेस उन्हें भरनी होती हैं। जो वो कॉलेज चॉइसेस वो भरते हैं उनमें उनके जो पीटीटी में जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें कॉलेज अलॉट होता है। तो मैम राजस्थान में जितने भी बीएड कॉलेज हैं जो अधिकृत हैं उनमें से बच्चे को उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर उसको एडमिशन मिल जाएगा? मैम, उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर उन्हें एडमिशन मिलता है। तो मैम अगर कोई बच्चा इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो क्या उसे दोबारा चांस मिलता है पार्टिसिपेट करने का? अगर बच्चा उसे कॉलेज अलॉट हो गया है फर्स्ट काउंसलिंग में और वो अपने कॉलेज में जाकर, संबंधित कॉलेज में जाकर के एडमिशन नहीं लेता तो उसे दोबारा पीटीटी चांस नहीं देती। मैम कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, और उन्हें जयपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, या जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को बहुत दूर कोई डूंगरपुर, बांसवाड़ा अलॉट हो गया जी, तो बच्चे बहुत उधेड़बुन में हो जाते हैं कि हम इतनी दूर जाएंगे, वहां रहेंगे कैसे, तो क्या उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है महाविद्यालय चेंज करने का? मैम अभी एक साल से ही पीटीटी ने ये आयोजन किया है कि जिन बच्चों को दूर का कॉलेज अलॉट होता है वो एक बार यदि संबंधित महाविद्यालय में जाकर के रिपोर्टिंग कर देते हैं तो उसके लिए एक अपवर्ड मूवमेंट का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन वो अपवर्ड मूवमेंट केवल उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए होता है जो कि रिपोर्टिंग कर चुके होते हैं। अपवर्ड मूवमेंट में हो सकता है कि आपको अपने आसपास का ही एरिया मिल जाए या हो सकता है और भी दूर मिल जाए, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट केवल एक ही बार होगा और वो भी रिपोर्टिंग करने के बाद। अगर कोई बच्चा रिपोर्टिंग नहीं करता और वो चाहता है कि उसका अपवर्ड मूवमेंट हो तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो मैम आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को अपवर्ड मूवमेंट का एक मौका मिलता है लेकिन उसको पहले रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी महाविद्यालय में? बिल्कुल, रिपोर्टिंग करनी होगी जाकर के। लेकिन फिर ये श्योर नहीं है कि उसको उसी के पास का गृह जिला जो है वो मिल जाए? कोई श्योर नहीं है, वो तो जहाँ पर जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी उसके अकॉर्डिंग उसे एडमिशन मिल जाएगा। तो मैम ये महाविद्यालय के अंदर रिपोर्टिंग का क्या प्रोसीजर रहता है?
महाविद्यालय में रिपोर्टिंग जब बच्चा करने जाएगा तो उसे 5,000 रुपए का चालान जो कि वो पहले बनवा चुका है, जी मैम, उसके बाद कॉलेज अलॉट होने के बाद में उसे एक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने के लिए 22,000 रुपए का एक चालान भी बनवाना होगा। इन दोनों चालान के साथ में उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन में तीनों ईयर्स की, यदि वो पीजी के बेस पे एडमिशन ले रहा है तो पीजी की मार्कशीट, उसके अलावा यदि कैटेगरी से है बच्चा एससी एसटी या ओबीसी, ओबीसी से तो उसे अपना कास्ट का सर्टिफिकेट, और यदि बच्चा राजस्थान का मूल निवासी है तो मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के उसे अपने संबंधित कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी होगी। तो मैं महाविद्यालय में इन सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। बिल्कुल, पीटीईटी केवल बच्चों को एडमिशन देती है, उसके बाद जो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, उनकी परसेंटेज की जांच है, ये सभी महाविद्यालय के द्वारा की जाती है कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं। यदि पीटीईटी बच्चे को सिलेक्ट करती है और यदि बच्चे की परसेंटेज पूरी नहीं है तो महाविद्यालय हाँ। उस एडमिशन को कैंसिल भी कर सकता है। मैम, जब बच्चा रिपोर्टिंग के लिए आता है तो उसे वहाँ महाविद्यालय में 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेने होते हैं, बिल्कुल तो मैम, वो टीचिंग सब्जेक्ट किस आधार पे मिलते हैं? कई बार क्या होता है बच्चे के पास में जैसे जूलॉजी ऑनर्स है और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो क्या बच्चे को 2 टीचिंग सब्जेक्ट मिल जाएंगे? टीचिंग सब्जेक्ट मैम उनको उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएशन की उनकी जो मार्कशीट है, उसमें जो उसने टीचिंग सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके आधार पर उसे टीचिंग सब्जेक्ट अलॉट किए जाते हैं। पास कोर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि बच्चा 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन यदि बच्चे ने ऑनर्स से कर रहा हो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री, उसने ऑनर्स से करेगी, जैसे कि आपने पूछा जूलॉजी ऑनर्स और केमिस्ट्री, तो मैम जूलॉजी ऑनर्स और केमिस्ट्री इन दोनों से एक तो सब्जेक्ट बन जाता है उनका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लेकिन दूसरा ना तो जनरल साइंस बन पाता है ना ही बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने के लिए बच्चे को बॉटनी और जूलॉजी पढ़ना जरूरी होता है, तो इस कंडीशन में बच्चे के 2 टीचिंग सब्जेक्ट नहीं बन पाते। तो मैम ऑनर्स किए हुए बच्चों को इसके लिए क्या करना होगा? अगर बच्चे ने ऑनर्स से इस तरीके की कोई डिग्री ले रखी है तो या तो वो किसी एक और सब्जेक्ट से एडिशनल ग्रेजुएशन की डिग्री ले ले, या फिर वो किसी अन्य सब्जेक्ट से यदि पीजी करता है तो उसके पास में 2 टीचिंग सब्जेक्ट इजीली पढ़ने के लिए हो जाते हैं, तो फिर वो आराम से अपने बीएड में 2 टीचिंग सब्जेक्ट ले सकता है। तो मैम सब्जेक्ट्स उसको अपने पीजी के बेसिस पे भी मिल जाते हैं? हाँ, ग्रेजुएशन और पीजी इन दोनों के बेसिस पे उसे सब्जेक्ट मिलते हैं। तो बच्चे को पीटीटी का एग्जाम देने से पहले ही अपने सब्जेक्ट्स देख लेने चाहिए ताकि उसे आके भविष्य में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल मैम। मैम इसके अंदर रिपोर्टिंग के बाद में क्या बच्चे की ऑनलाइन काउंसलिंग होती है कॉलेज में? रिपोर्टिंग करवाने के बाद में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करवाने के बाद में बच्चे की ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी और उसे वहां से एक स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप को मिलने के बाद में उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, उसके बाद में उस बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाता है। मैम जब से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम लागू हुआ है बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज तो क्लासेस में मिल जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की गई है। तो मैम हमारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कितने दिन की होती है और सेकंड ईयर में इंटर्नशिप की अवधि कितनी होती है? देखिए मैम, बीएड जैसे कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है तो दोनों सालों में अलग अलग इंटर्नशिप होती है। बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो 24 डेज का होता है और बीएड सेकेंड ईयर के अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम 96 डेज का होता है जो कि बच्चे को करना अनिवार्य होता है। तो मैम ये इंटर्नशिप के लिए जो विद्यालय हैं ये गवर्नमेंट द्वारा ही अलॉट किए जाते हैं बच्चे को? बिल्कुल मैम, ये गवर्नमेंट द्वारा ही, गवर्नमेंट स्कूल ही अलॉट किए जाते हैं उन्हें इंटर्नशिप के लिए। और जो बच्चा अपने इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के लिए फायदे की बात यह है कि बच्चा चाहे कहीं से भी बीएड कर रहा हो लेकिन इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। चाहे अगर बच्चा जयपुर से बीएड कर रहा है और वो है बेसिकली रहने वाला बाड़मेर का या फिर बांसवाड़ा का, तो वो अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाकर के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से जो कि उसे अलॉट होगी वहां से वो इंटर्नशिप कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट में इंटर्नशिप करके उनको सुविधाएं प्रदान करी हैं ताकि बच्चे को वहां पे अपने इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े दूसरी जगह पे। धन्यवाद मैम, उम्मीद है आपके द्वारा दी गई जानकारी बीएड करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। मैम आप आज स्टूडियो में आए और इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम।